रविवार को देश भर में जगह जगह 71वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में दिल्ली के राजपाक थाने में भी पुलिस कर्मियों द्वारा ध्वजारोहण करते हुए राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान दिया गया। इस मौके पर जिले के DCP, ACP समेत कई थानों के SHO मौजूद रहे। साथ ही इलाके के सम्मानित और गणमान्य लोग भी इस यादगार पल का हिस्सा बने। इस मौके पर राजपाक थाने का एक नया स्वरूप देखने को मिला और थाने का नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी जनता और यहां काम करने वाले पुलिस कर्मियों को समर्पित किया गया, जिसका श्रेय राजपाक के SHO अशोक कुमार को जाता है। दिल्ली के राजपाक थाना इलाके के SHO अशोक कुमार की कई महीनों की कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाई और अपना कार्यभार संभालने के बाद डंपिंग यार्ड की तरह पड़े इस पुलिस स्टेशन को इस कदर कायाकल्प कर देना किसी चुनौती से कम नहीं था। आज से एक साल पहले भी हम जैसे चौकी थी बेसिकली मंगलपुरी की एक, और अभी एक साल से ही इसको थाना घोषित किया गया है। और जो यहाँ के थाना अध्यक्ष हैं अशोक कुमार जी, उन्होंने जो एक साल से उनकी पूरी टीम ने जो यहाँ पे मेहनत की है, यहाँ का माहौल एकदम बदल दिया है। पहले भी लोग हमेशा क्या थाने के नाम से पुलिस के नाम से लोग वैसे डरा करते हैं क्योंकि माहौल एक वैसा रहता है, लेकिन यहाँ पे आके एक अच्छा महसूस हो रहा है कि लोग कम से कम डरेंगे नहीं, अपनी बात लोग कह पाएंगे। और जो वहाँ का माहौल है अशोक जी के माध्यम से टीम बनी है, वो जो इन्होंने यहाँ चेंज किया है, एक आम आदमी यहाँ पे ऐसे ही लगेगा क्योंकि घर से बाहर है, उसे लगेगा मैं घर के बीच में ही हूँ। मेन गेट से लेकर रिसेप्शन, मेस, IO रूम, बैरक और मंदिर सरीखे के इस थाने को एक अलग ही श्रेणी में लेकर खड़ा कर दिया है। वहीं इस पुलिस स्टेशन के बीचों बीच बना पार्क और उसके रंग बिरंगे फूल पौधे इसकी शोभा को चार चांद लगाते हैं। इस मौके पर जिले के पुलिस अधिकारियों को स्थानीय लोगों ने सम्मानित किया और उनके काम की जमकर हौसला अफजाई की, और इन्हीं वजह से कल तक बदसूरत सा लगने वाला ये थाना केवल दिल्ली के ही नहीं देश के top 10 थानों की लिस्ट में जल्द ही शामिल हो सकता है। यूनिवर्सल न्यूज के लिए दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट।